दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्दी हेल्थ फॉर एवर। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं अंजीर यानी कि फिग के इनक्रेडिबल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। थोड़ा हम डीप डाइव करेंगे इसके साइंटिफिक रीजंस, फैक्ट्स और इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जानने के लिए कि इसको पावर हाउस ऑफ गुडनेस क्यों कहा गया है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लें एक बार, सो दैट इस तरह के एविडेंस बेस्ड हेल्थ एजुकेशनल वीडियो आपको समय पे मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो अंजीर का जो सबसे पहला फायदा होता है, इसका न्यूट्रिशनल रिच कंपोजिशन। ये सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट नहीं होता, डिलीशियस नहीं होता, बल्कि ये अपने आप में एक पैकेज है न्यूट्रिशंस का। चाहे विटामिन्स की हम बात करें, चाहे मिनरल्स की बात करें, या बहुत सारे इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसकी बात करें। इसके अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, और साथ ही जैसे पोटेशियम, जिंक, कॉपर जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसलिए ये बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के साथ साथ आपकी बॉडी को एनर्जी भी देता है। तो आप अंजीर रोजाना अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा के रख सकते हैं। और इसका जो दूसरा फायदा होता है, इसके अंदर पाए जाने वाले फाइबर्स, डाइजेस्टिव फाइबर, अंजीर के अंदर बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव फाइबर होते हैं, इसलिए उसको पुराने जमाने से आयुर्वेदा में, यूनानी थेरेपी में लेक्सेटिव के तौर पे, यानी कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको अंजीर खिलाने की सलाह दी जाती थी। अगर रात को दो अंजीर रोज खा लिए जाए तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, एक बेस्ट रेमेडी होता है कॉन्स्टिपेशन के मरीजों के लिए। इसीलिए इसको पाइल्स के मरीजों में भी यूज किया जाता है और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आप अगर अंजीर को गन्ने के रस के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको पुराने से पुराने जो पाइल्स है वो ठीक हो जाती है और आपका कॉन्स्टिपेशन में पूरी तरीके से रिलीफ मिल जाता है। जो उसके पीछे की साइंस है, जो साइंटिफिक रीजन है, इसके अंदर जो है ना जो फाइबर्स होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं, सोल्युबल फाइबर होते हैं, इनसोल्युबल फाइबर होते हैं। इसकी यही क्वालिटी जो है वो आंतों की जो मूवमेंट होती है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं उसको बढ़ा देता है। जब ये मूवमेंट बढ़ती है आंतों की तो उसकी वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है, आपको मोशन क्लियर होता है। और अगर आपका देखिए पेट साफ रहता है तो आपको और भी बहुत सारी पेट से संबंधित बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, आपके लीवर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इस तरीके से आपका लीवर भी हेल्दी रहता है। और साथ ही साथ अंजीर जो है आपकी गट के अंदर जो कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनको ग्रो करने में, उनकी ग्रोथ में मदद करता है, जिससे आपका ओवरऑल जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है। तो अंजीर एक बेहतरीन फ्रूट है, इसको आप रेगुलर अपनी डाइट में इस्तेमाल करें और इसके भरपूर फायदों से फायदा उठाएं। तीसरा, इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है। आपको पता है कि जो बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपके शरीर से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं जिनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है और जो बीमारियों का कारण बनता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को या जो फ्री रेडिकल्स हैं इनको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं और अंजीर इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए या इन फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये एक तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट का काम तो करते ही हैं, आपकी बॉडी के अंदर आपकी सेल्स को रिपेयर करते हैं और अगर जो इन्फ्लामेशन वहां पे आ जाता है सेल्स के अंदर ड्यू टू फ्री रेडिकल्स, उस इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करके आपकी सेहत को बरकरार रखने में मदद करते हैं, आपकी सेल्स की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप अपने भोजन में अंजीर का या फिग का जरूर इस्तेमाल करें। कई सारी रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि जो पोटेशियम है वो हार्ट के लिए बहुत जरूरी होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी, हार्ट की जो मोटिलिटी होती है उसको भी मेंटेन करने के लिए। तो अंजीर के अंदर पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो जो चौथा बेनिफिट होता है अंजीर का, ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अंदर पोटेशियम के साथ साथ जो जिंक है या जो मैग्नीशियम है वो ओवरऑल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के साथ साथ हार्ट की हेल्थ को ठीक रखता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखता है। और जो सबसे बड़ी बात है, अक्सर आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में स्ट्रोक आ जाता है मरीज को, स्ट्रोक के खतरे को भी अंजीर कम करता है। तो सर्दियों के दिनों में आप अगर दो अंजीर रात को रोजाना खा लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होगा, उसी के साथ साथ आपका स्ट्रोक का खतरा भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। और जो पांचवा बड़ा बेनिफिट होता है अंजीर का या फिग का, ये बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। उसके देखिए दो रीजन है, एक तो इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, तो जो अधिक फाइबर वाले भोजन है वो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं आंतों के अंदर,
ऐसे भोजनों का जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अपने आप में कम होता है। तो शुगर के मरीज अंजीर अगर खाएंगे, आप वो कच्चा अंजीर खाएं या पका अंजीर खाएं, आपको वो कई सारे फायदे देगा बॉडी के अंदर। एक तो आपके ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन को कम कर देगा हाथों से, जिससे आपका ग्लूकोज लेवल तेजी से नहीं बढ़ेगा और आपका जो ब्लड शुगर है वो रेगुलेट करने में ये मदद करेगा। तो उसके पीछे देखिए साइंस ये है, या साइंटिफिक रीजन ये है कि इसके अंदर जो सोल्यूबल फाइबर है पेक्टिन और जो एक दूसरा कंपाउंड होता है क्लोरोजेनिक एसिड, ये दोनों मिलके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। छठा देखिए, इसको बोन स्ट्रेंथनिंग ट्रायो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो तीन चीजें होती हैं जिसमें फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये तीनों मिलके आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, बोन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो अंजीर के अंदर ये तीनों ही जो कंपाउंड्स हैं वो पाए जाते हैं, जो आपकी ओवरऑल बोन्स की हेल्थ के लिए, उसकी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, खासतौर से जो ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अंजीर माना गया है। तो आप रेगुलर अंजीर अगर खाते हैं तो आपकी बोन की हेल्थ भी बढ़ जाती है, यानी कि बोन के फ्रैक्चर होने का खतरा कम हो जाता है, बोन्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन होते हैं या जो दर्द होता है जोड़ों के अंदर, उसमें भी अंजीर खाने से राहत मिलती है। तो आप अपनी डाइट में अंजीर लगातार इस्तेमाल करें। और सातवां, ये वेट मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए उसका रीजन यही है, जैसे हमने पहले बात की, इसके अंदर फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है और जब आप अंजीर खाते हैं तो आपका जो टमी है वो फुलनेस फील होने लगता है उसके अंदर, यानी कि आपको भूख कम लगती है। तो आप अंजीर खाने के बाद जब भूख कम लगेगी तो आप बाकी जो भोजन है उसकी थोड़ी मात्रा कम हो जाएगी, तो इस तरीके से आप वेट अपना रिड्यूस कर पाएंगे। आप बाकी फ्रूट्स की जगह अगर अंजीर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट जल्दी रिड्यूस होगा। और जो इसका आठवां फायदा है वो आपकी स्किन के लिए, स्किन ग्लो के लिए बहुत जरूरी होता है। एक तरह से रेडिएंट का काम करता है आपकी स्किन के लिए। तो जो लोग अपने स्किन को लेके, उसके रैशेस को लेके, कॉम्प्लेक्शन को लेके परेशान है, वो अंजीर का इस्तेमाल करना शुरू करें तो उससे उसको फायदे मिलेंगे। देखिए उसका रीजन यह है कि इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है और भी दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, और साथ ही इसके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कोलेजन के बनाने में मदद करता है। और जो कोलेजन है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही जरूरी न्यूट्रिशन होता है। तो इस तरीके से अंजीर आपकी स्किन के लिए, उसकी ग्लो के लिए, उसकी चमक को बरकरार रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद फ्रूट है। अंजीर का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्किन डिजीजेज में और दूसरी स्किन की बीमारियों को भी रिड्यूस करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। तो आप अंजीर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक जरूर कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।